ये देखिए जी, इधर बना रही हूँ मैं आज के खाने में पकवानी मंडी। इसके लिए मैंने अपने चिकन में प्याज और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल के तो उसको अच्छे से टेंडर करके मतलब गला ली है। अब है इसकी फाइनल फाइनल लुक की बारी। तो इसमें जाएगी क्रीम और दही एक एक कप मिक्स करके, ठीक है। जैसे ही पानी थोड़ा सा जो दही है उसका खुश्क हो, साथ ही में ऑयल डाल के उसकी बुनाई कर दूँगी। और अभी चाहे तो आप उसको कोयले का जो है ना वो स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, ठीक है। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च इसकी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें गई हैं, नमक गया और अभी तक कुछ भी नहीं गया। तो मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो उसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, क्योंकि अगर मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी तो इसका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। ठीक हो गया जी, और इसको भूनते हैं। ये देखिए जी, तो मेरा पानी कुछ हो गया था इसका दही का क्रीम का, तो मैंने डाल के ऑयल इसको अच्छे से बनाई करी, मैं इसका कर दूँ स्लो स्लो, ठीक है। और मुझे इसमें इतनी सी कितना चाहिए क्रीम की और बनाई की, और मैं हल्किया किसी करूँगी कि घी सारा ज़्यादा ऊपर आ जाए, और जो बची भी क्रीम है वो सारी मैं जो इसमें वो करके डालूँगी और इसको कर देंगे हम थोड़ा मिक्स, ठीक है। इसकी शक्ल कुछ आ जाएगी इस तरह से, हो रहा है मेरा मंचूरियन का जो चिकन है, क्योंकि आज मैंने दो सारा जो है वो खाने बनाए, क्योंकि मेरी मेहनत छुट्टी पे और बच्चे खाने मुझे सोए हुए हैं अभी, और फिर मुझे छोटे काम बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने कहा कि मौके से पहले उठा जल्दी से दो साल बना लेती हूँ, मतलब एक साल बना लेती हूँ, और अगर टाइम मिला तो कभी सब्जी मेरा साथ बनाऊंगी, चलिए वो दिन जाना अच्छा हो जाएगा मेरा गुजारा। ये देखिए जी, इधर मेरे मंचूरियन आए, मैंने इसको नॉन स्टिक में बनाने के बजाय इसमें बना ली और इसकी सारी कोटिंग जो है होता रही है। चलो खैर है, जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा था मैं इसको अल्डू कर दूँगी। अभी आती है मंचूरियन की बारी, वही वाला ऑयल में लूंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत थोड़ा भी नहीं। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, टाइम नहीं है वरना मैं चॉप करके डालती। हाँ जी, जैसे इसकी स्मेल खत्म होती है मैं ये डाल दूँगी प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर में बाद में डालूंगी क्योंकि नहीं करो। अब अपने भरी इसमें केचप डालें आप,
मैं चिल्ली और चिल्ली गार्लिक सॉल्ट और ये वाली डालूंगी, ठीक है। इसमें ये भी जाएगी थोड़ी सी। देखो मेरे बच्चे जो बुढ़ जाते हैं तब मैं कुछ नहीं करती। जी बेटे थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डाल दूंगी ब्राउन शुगर, चीनी की बजाय इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। गार्लिक में सॉस डाल दूंगी थोड़ी सी और नमक मुझे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने चिकन की जो सीजनिंग की थी उसमें डाला था। चिली फ्लेक्स भी नहीं डालूंगी, उसकी बजाय मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा पानी। साथ ही मैं अपने चिकन जो मैंने कल किया था वो डालूंगी ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाद में मैं डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। नहीं मुझे पिटाई करवानी और क्या, पिटाई करूंगी मैं। करते हैं इसको डिश आउट और इसी हांडी में मुझे बनाना है कड़ी। ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल शक्ल।